हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे आप और आपके फैमिली दोनों, और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। मैं सुनील शर्मा, एक कॉमर्स टीचर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, आप लोगों के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। आज पूरी दुनिया कोविड-19 नामक एक महामारी से घिरा हुआ है। पूरे दुनिया में 40 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, 2,75,000 के आसपास मर चुके हैं। अमेरिका, यूरोप जैसे शक्तिशाली देश भी इसके सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुके हैं। भारत की बात करो तो आज 9th में है, 60,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं और लगभग 2,000, एक दो नीचे है, 2,000 के आसपास डेथ हो चुका है, मर चुके हैं। लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इस वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन एक प्रिकॉशन है ताकि वायरस बहुत तेजी से नहीं फैल सके। तो उपाय क्या है? तो अभी जैसा सब लोग बोल रहे हैं, वैक्सीन ही एक उपाय है ताकि पूरी तरह से ये कोरोना वायरस जा सके। और वैक्सीन आने में वक्त लगेगा, पूरी दुनिया लगी हुई है वैक्सीन बनाने में, और जल्द से जल्द आ जाए इसका हम लोग आशा करेंगे, दुआ करेंगे। तब तक क्या कर सकते हैं? तब तक घर में ही रहना है। अब एक टीचर के नाते अगर कहूं तो लॉकडाउन के वजह से स्टूडेंट्स का ग्रोथ एकदम से रुक सा गया है। उन लोगों का जो चक्का चल रहा था वो थम सा गया है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो आने वाले 10 जून तक सरकार का निर्देश है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे, और पता नहीं ये कब तक और बढ़ेगा या खुलेगा। जितने भी एग्जाम्स वगैरह हैं वो या तो कैंसिल हो चुका है या फिर पोस्टपोन हो चुके हैं अनिश्चित कालीन के लिए। अब बच्चों, एज ए टीचर अगर मैं कहूं तो हम लोगों का पढ़ाई पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। स्टडी भी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि स्टडी को कंटिन्यू कैसे किया जाए। स्टडी तो बढ़ाना सब चाह रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट लोग, स्टार्टिंग में स्टूडेंट लोगों को लगा होगा कि चलो भैया कुछ छुट्टियां मिली है, कुछ दिनों तक घर में बैठते हैं, व्हाट्सएप करेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, फेसबुक करेंगे, लेकिन अब वो लोग भी बोर होना चालू हो चुके हैं। तो पढ़ाई के लिए कर क्या सकते हैं? इसका एक ही रास्ता है, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने घर में बैठकर स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और हमारा फ्यूचर भी यही है। आज के डेट में देखिएगा, बहुत सारे काम ऑनलाइन होते हैं, और फ्यूचर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम ऑनलाइन ही होने वाला है। आज देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यहाँ तक कि खाना भी ऑनलाइन आ जाता है। सोशल नेटवर्किंग से घिरे हुए हैं, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बाबू पढ़ाई क्यों नहीं करें ऑनलाइन? वो भी तो कर सकते हैं। जितने भी डेवलप कंट्री वगैरह है, वेस्टर्न कंट्रीज है,
वहां पे देखिएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन काफी साल पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में अभी तक ये पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे क्या होता है, ऑनलाइन एजुकेशन दिए जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट भी कर चुके हैं, क्लासेस हो भी रहे, बट स्टूडेंट लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए टीचर के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, घर में बैठकर बर्बाद मत करें, बर्बाद ना करें। अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि प्राइवेट ट्यूटर्स को कांटेक्ट करें, संपर्क करें। अगर वो लोग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप भी स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और अगर नहीं स्टार्ट किए हैं तो अपील कीजिए स्टडी के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। हमारा जो भविष्य है, देश का जो भविष्य है, ये स्टूडेंट लोगों के हाथ में है। स्टूडेंट ही फ्यूचर में जाकर अपने सोसाइटी का कर्ता धर्ता होता है। अपने जिम्मेवारियों को समझिए। ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़िए। आज आप क्या कर रहे होंगे खाली वक्त में? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, वीगो, वीडियो गेम, मूवीज, बहुत सारा चीज चल रहा है। 24 घंटे हैं क्या? 24 घंटा यही जा रहा है? अगर जा रहा है तो बहुत गलत है। आपको आगे आकर खुद से ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाना चाहिए, अपने साथियों को प्रमोट कीजिए, उन लोगों को आप मोटिवेट कीजिए, खुद भी मोटिवेट रहिए, उन लोगों को मोटिवेट कीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन में वो लोग जाए। बहुत इजी है ये, बहुत इजी ऑनलाइन एजुकेशन। शुरुआत में लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत टफ होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बहुत इजी है। यूट्यूब चलाते हैं, गूगल करते हैं, क्या वो टफ है? नहीं, बहुत इजी है। आपका भविष्य आपके हाथ में है। टाइम, लॉकडाउन का टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने स्टडी को खराब मत होने दीजिए। मैं यही कहूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट टुडे। आपका भविष्य आपके हाथ है। और आखिर में बस इतना कहूंगा कि हम लोग कोरोना वायरस से जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, घर में रहेंगे, लेकिन स्टडी भी जरूर करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आशा करता हूं कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, कुछ लोग सहमत होंगे। अगर सहमत है तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों का जो एजुकेशनल सिस्टम है ये 2 महीने पहले वाले कंडीशन में चला जाए। थैंक यू। जय हिंद।